नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्यों इंडियन गवर्नमेंट गेहूं एक्सपोर्ट बंद किया है, इसके पीछे रीजन क्या है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते, जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते तो हमारे पास उसका भरपूर भंडार होना चाहिए और जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके पास कम होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए, तब भी हम सप्लाई करते हैं। तो हमारे पास तो गेहूं का ऑलरेडी अच्छा खासा स्टॉक है, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ये एक्सपोर्ट बंद किया हुआ है। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। सबसे पहले रीजन ये है, ये गेहूं का आगे जाके जो कालाबाजारी ना हो इसके लिए ये गेहूं एक्सपोर्ट बंद किया है। कालाबाजारी कैसे होगा? जो भी देश जिसके पास बहुत सारा पैसा है उन लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट का रेट बढ़ने वाला है या तो क्राइसिस में है वो खुद के पास इंपोर्ट कर लेते हैं बहुत सारा, फिर मार्केट में और क्राइसिस पैदा करते, फिर जाके वो लोग थोड़ा थोड़ा करके जो रेट बढ़ा के बेचते हैं। उनका जो टेक्निक है, उनका बिजनेस टेक्निक है। इसमें से जो गरीब देश होगा उसका बहुत सारा पैसा नुकसान में चला जाएगा, क्योंकि कोई भी देश उसका जो लोग है भूखा नहीं सुने देंगे। इसके लिए ये जो कालाबाजारी ना हो, ये अमीर देश ये गेहूं बहुत सारा खरीद के ले लेगा और मार्केट में और ज्यादा क्राइसिस होने के लिए ये लोग स्टॉक में रख के जब क्राइसिस बढ़ जाएगा तब ये लोग थोड़ा थोड़ा करके छोड़ देंगे। तो ये जो कालाबाजारी ये अगर ना हो इसके लिए ये गेहूं एक्सपोर्ट बंद किया है। तो इंडिया गवर्नमेंट क्या चाहते हैं कि जिसको देश को गेहूं चाहिए उसका कितना क्वांटिटी चाहिए वो पहले इंडिया गवर्नमेंट को दे दे उसका आंकड़ा, 10 टन चाहिए, 20 टन चाहिए, 10,000 टन चाहिए, 10 लाख टन चाहिए, पहले इंडियन गवर्नमेंट को आप आंकड़ा दे दो, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करके ये गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला है। ये गेहूं का इतना ज्यादा क्राइसिस क्यों पैदा हुआ? ये जो गेहूं है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला जो कंट्री है वो रूस है और यूक्रेन है। लगभग पूरा वर्ल्ड का 40% गेहूं ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी दोनों को साथ जो झगड़ा चल रहा है इसके लिए 40% जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो बंद हो चुका है, इसीलिए इतना ज्यादा क्राइसिस है। तो गेहूं का कालाबाजारी बंद करने के लिए हमारा इंडियन गवर्नमेंट ये गेहूं एक्सपोर्ट करना बंद किया।